सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रणव तिवारी एंड यू गाइज आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो यार, बेटे के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस बना ली, सभी कोर्सेज के ऊपर वीडियोस बना ली, बट अब सिर्फ एक रह रहा है जिसे हम MBBS कहते हैं। तो यार, मैं भी MBBS के बारे में एक्सप्लोर कर रहा था, जैसे कि चलो इस कोर्स के ऊपर ही बनाई जाए। तो यार, MBBS में एडमिशन लेना इतना भी ज़्यादा कुछ टफ है नहीं जितना लोग बना के रखे हैं। तो मैं सोचा कि जब MBBS की हम सीरीज शुरू कर ही रहे हैं, तो उस सीरीज में सबसे पहले क्यों ना उस कॉलेज को रखा जाए जिसको यूपी में सबसे पहले एंट्रेंस किया था और वो कॉलेज 1996 से MBBS करवा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उस कॉलेज के लोकेशन के बारे में, उसके कैंपस एरिया के बारे में, कब स्टेबलाइज हुआ था उसके बारे में, किससे एफिलेटेड है, किससे रिकॉग्नाइज है उसके बारे में, वहाँ का हॉस्टल एमएस का क्या कंडीशन होता है उसके बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कितनी सीट्स है, क्या कट ऑफ जाती है, कैसे आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं जिस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्वामी विवेकानंद सुभारती मेडिकल कॉलेज। बात करें लोकेशन की सबसे पहले, तो लोकेशन भाई मेरठ में है, मेरठ मेन टाउन में ही कॉलेज है, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी अगर कोई लोग दूर से आ रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, वो ट्रेन से आ रहे हैं, तो भाई सिर्फ 7 किलोमीटर, ज़्यादा दूर भी नहीं है भाई, सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो मेरठ का मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ से कॉलेज सिचुएटेड है। तो आप आराम से शेयरिंग टैक्सी या शेयरिंग ऑटो लेके जा सकते हो, ऑटो से आते हो तो 20-30 रुपये लेता हूँ आपको कॉलेज तक ड्रॉप करने का। बाकी अगर कोई रिजर्व करके जाना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है। अगर कोई दिल्ली से हरिद्वार गया होगा तो उसने रास्ते में इस कॉलेज को जरूर देखा होगा, और उसने कॉलेज को रास्ते में देखा होगा उसे भाई पता होगा इसका कैंपस एरिया कि कैंपस कितना बड़ा है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कैंपस को लेकर। तो भाई कैंपस एरिया इसका भाई 250 एकड़ का है। तुम खुद सोच लो ना यार, जो कॉलेज सिर्फ 50-60 एकड़ का होता है उसको देख के लोगों को लगता है कितना बड़ा कॉलेज है, ये 250 एकड़ बना रखा है भाई, 250 एकड़ कैंपस तुम समझ लो। कैंपस इतना बड़ा इसलिए है भाई क्योंकि इसके अंदर में तो अभी हॉस्पिटल्स हैं इसके 3-4 खुद के बिल्डिंग्स हैं जिनमें अलग अलग ये क्लासेस चलती हैं। उसके बाद इसके अंदर इसका गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, बहुत सारे हॉस्टल्स भी इसके अंदर में, हॉस्टल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कभी एस्टेब्लिश हुआ था। तो भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के कि ये 1996 MBBS करवा रहा है, 1996 से ये कॉलेज है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चांसलर कौन है, तो भाई यहाँ की जो चांसलर है उनका नाम है मिसेस स्तुति नारायण कक्कर मैम, जो कि भाई IPS रह चुकी है अपने टाइम की, 1978 यूपी कैडर बैच की वो IPS थी, अभी वो यहाँ पे सर्व कर रही है एज अ चांसलर। तो भाई स्ट्रिक्टनेस पूरी यहाँ पे मेंटेन होती है, डिसिप्लिन पूरा यहाँ पे मेंटेन किया जाता है क्योंकि मैम खुद IAS रह चुकी है अपने टाइम की। तुम खुद समझ लो डिसिप्लिन कितना ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, कितना मेंटेन किया जाता होगा। बाकी बात करें एफिलिएशन की, तो भाई ये डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है। बाकी NMC रिकॉग्नाइज हैं तो आपको टेंशन लेने की बात है नहीं, अब दोनों साइड से सेफ हो, ऐसा फ्रॉड यूनिवर्सिटी ये है नहीं। आगे बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो भाई हॉस्पिटल के बारे में सब इसका एक हॉस्पिटल इसके बारे में बात करते हैं, बट इसके दो हॉस्पिटल है, एक तो डेंटल हॉस्पिटल है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, बाकी जो इसका मेन हॉस्पिटल है छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं। भाई लिटरली इसमें 1050 बेड है, तुम खुद सोच लो भाई कितना तगड़ा है का पेशेंट फ्लो होगा। MBBS वालों की जान होती है सिर्फ हॉस्पिटल की, ये बस बता दो। मैंने बहुत सारे वीडियोस एक्चुअली देखे थे, रिसर्च कर रहा था मैं, ऐसे ही मैं कुछ भी कंटेंट लेके आता नहीं, तो मैं जो रिसर्च कर रहा था तो मैंने उसमें देखा कि मैक्सिमम का बस यही कमेंट आ रहा था कि भैया हॉस्पिटल कैसा है इसका, और हॉस्पिटल में सच में पेशेंट फ्लो है या फिर ऐसे ही दिखाने के लिए बच्चों के लिए बिस्किट के लालच में ला के रख देते हैं बच्चों को बना के पेशेंट कि यार तुम आज पेशेंट बन जाओ, वैसा कोई सीन नहीं है, पूरा जो प्रॉपर पेशेंट फ्लो है यहाँ का बहुत फेमस पेशेंट फ्लो है। बाकी मैं कुछ दिनों में जाऊँगा ही सुभारती, आप लोग के लिए पूरा प्रॉपर व्लॉग बना के लाऊँगा जिससे लोगों को यकीन भी हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ का पेशेंट का जो फ्लो है सच में है। ठीक है, तो फिर हॉस्पिटल से बात कर ली हमने, आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हॉस्टल का, भाई हॉस्टल का रहने का क्या सीन है कि भैया एडमिशन तो मान लो ले लिया, रहना क्या है, कैसे रहना है, क्या सीन है। तो भाई हॉस्टल दो टाइप का है, एक अमीरों के लिए, एक हम जैसे गरीबों के लिए। तो बात करते हैं अमीरों वाला हॉस्टल जो कि आता है AC हॉस्टल। तो भाई हॉस्टल में बात कर रहा हूँ 2-सीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अमीरों का हॉस्टल है वो है 1,75,000 2-सीटर AC रूम, आपको AC रूम मिल जाएगा 1,75,000 में। जो मेरी तरह गरीब लोग हैं उनके लिए है भाई 1,50,000, 1,50,000 1.5 लाख में आपको 2-सीटर non-AC रूम मिल जाएगा। अब थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप ना तो अमीर हो ना तो गरीब हो, बीच वाले हो मेरी तरह, तो भाई आप कूलर ले सकते हो, कूलर के लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, बट ठीक है आप कूलर लेकर रख सकते हो। लॉन्ड्री सर्विस इंक्लूडेड नहीं है, मेस इंक्लूडेड है। अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो खाना आपको बढ़िया मिलने वाला है, इसकी आप टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ का मेस का जो है हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखा जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स चेकआउट करे थे यहाँ के, तो जो भी है खाना भी बहुत बढ़िया मिलता है यहाँ पे, प्लस हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखा जाता है, तो खाने की कोई भी कभी अब तक कंप्लेंट आई नहीं है यहाँ की। आगे बढ़ते हैं,
और बात करते हैं सीट्स की कि भैया सीट्स कितनी है। सारी चीज़ें तो ठीक है बट यार इस कॉलेज में सीट कितनी है। तो भाई सीट का थोड़ा सा लोचा है, यहाँ पे 200 सीट्स हैं। अब सोच रहे हो कि अच्छा तो लोचा क्या है इसमें, तो भाई 200 में सिर्फ 100 सीट्स हैं हम जनरल वालों के लिए, 100 सीट्स है बुद्धा माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों के लिए। बुद्धा कम्युनिटी वालों के लिए 100 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व है, बाकी 100 सीट्स हैं जनरल वालों के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। बाकी बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि यार एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है कि भैया हमें चलो कॉलेज तो पसंद आ गया, आप बता दो एडमिशन कैसे लेना है यहाँ पे। तो एडमिशन के लिए यहाँ पे आपको यूपी स्टडी काउंसलिंग में बैठना है। यूपी स्टडी जो काउंसलिंग होती है उसको यूपी डीजीएमई इसको कंडक्ट कराती है। इसमें आपको पहले तो 2000 रुपये का एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म भाई फिल करने का डेट अगर जानना चाहते हो तो भाई मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, बस कल 25 जुलाई से इसका फॉर्म ओपन हो रहा है। तो देर मत करना, डायरेक्ट जाओ और फॉर्म फिल करना शुरू कर दो। जितना लेट करोगे आपके लिए दिक्कत है। 25 से 28 जुलाई तक इसका फॉर्म ओपन रहेगा, ठीक है। तो आपको 2000 का पहले एक फॉर्म फिल करना है, उस पर आपको 2,00,000 का एक इनका DD बनाना होता है इन द फेवर ऑफ UPDGME। इनके नाम का एक आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो होगा। अगर आपका मिल जाता है, सीट आपका अलॉट हो जाता है तब तो बहुत बढ़िया, जो आपका फी है उसमें से ही अपना डिडक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मनी रिफंडेबल होता है, मनी रिफंड हो जाएगा। पर 29 जुलाई को इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। 31 जुलाई से 3 अगस्त तक चॉइस फिलिंग होने वाली है। तो अपना जो भी आपको चॉइस फिलिंग वाली दिक्कत हो तो यहाँ पे जो ये नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है तब से कंटिन्यू आप इस पर कॉल करके मुझे कनेक्ट कर सकते हो। भाई जब से मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरे को इतनी नॉलेज हो गई है कि आप लोग का जितने क्वेरीज होगी मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जिससे मैंने ऑन ग्राउंड रिपोर्ट भी ली थी कि भाई ये तेरे कॉलेज के बारे में बता रहे थे ऑनलाइन, सच में ऐसा है कुछ तुम्हें बताया है, तो मैं उनसे भी आपसे बात करा के या फिर उनसे कॉन्टेक्ट करके आपकी जो भी क्वेरीज होगा मैं सॉल्व करा दूंगा। आगे बात करते हैं कि 4 अगस्त को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग खत्म होती है 4 अगस्त को आपका अलॉटमेंट होगा। 5 अगस्त को आपको आपका ऑफर लेटर मिल जाएगा, हाँ जी 5 अगस्त को ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो 5 से लेकर 8 तारीख, 5 अगस्त से 8 अगस्त तक आपको जाके पूरा फी सबमिट कर देना है। फी के बारे में नहीं पता है, डोंट वरी यार मैं हूँ, मैं बताता हूँ फी के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन फी के बारे में। तो यार फी बताने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, चलो फी के बाद बता दूंगा आपको, पहले फी तो जान लो। फी ट्यूशन फी की बात करते हैं तो ट्यूशन फी है यहाँ पे 11,85,133 रुपीज़। 33 रुपीज़ भी सबमिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट कुछ नहीं होता है मेडिकल कॉलेजेस में जी। तो आपको पूरा फी यहाँ पे जाकर सबमिट करना है। उसके बाद बात करें सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट वन टाइम होता है, 3,00,000 का होता है, जो कि जब आप यहाँ से डॉक्टर बन के निकलोगे तो अपने 3,00,000 अपने साथ लेकर जाना, जब ऐसे निकलोगे तो आपको वो आपका 3,00,000 भी वापस मिल जाएगा। मिसलेनियस चार्ज की बात कर लें तो 85,600 जो है यहाँ का मिसलेनियस चार्ज लगता है। एग्जामिनेशन फी 40 से 50,000 के बीच में लाई करता है। तो आपको वो ऑफिशियल, मैंने जो भी डेटा है भाई मैं सब इसके ऑफिशियल वेबसाइट से और मेरे फ्रेंड से तो उनसे मैंने बात करके ये बनाया है पूरा का पूरा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल लिंक भी दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी जाके पूरा अपना चेकआउट कर सकते हैं। तो जो आपका यहाँ का पूरा पैकेज बन रहा है वो आपका बन रहा है 17,70,733 रुपये फर्स्ट ईयर का। तो भैया आपको 8 अगस्त तक ये पूरा का पूरा जो भी पैसा है आपको जाकर सबमिट कर देना है, ठीक है। अगले साल से आप बस इसमें से 3,00,000 रुपये कम कर लेना, क्योंकि जो आपका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है फर्स्ट टाइम वाला वो आपका माइनस हो जाएगा, बाकी फीस सेम होने वाली है। तो 14,70,733 रुपये का एक नॉमिनल पैकेज मान के चल सकते हो। बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यूपी जो है ना भाई वो ओपन स्टेट है। अब ओपन स्टेट के बारे में नहीं पता है, 12th पास किया है तो आपको पता नहीं ओपन स्टेट के बारे में। तो मैं बता दूं, ओपन स्टेट का ये मतलब होता है जहाँ पे सभी लोग इक्वल होते हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोग जनरल कैटेगरी के होते हैं। पर कोई ये सोच के चल रहा है कि मैं तो OBC का हूँ, मैं तो SC का हूँ, मैं तो ST का हूँ, मुझे इतना कम से कम सीट मिलेगा, तो भाई कुछ नहीं है। 100 सीट्स ऑलरेडी बुद्धा कम्युनिटी वालों के रिजर्व है तो उनका अलग है, बाकी जो 100 सीट्स हैं उनमें सभी जनरल ही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। प्लस जो लोग सोच रहे हैं कि भैया मैं तो यूपी का ही हूँ, डोमेसाइल का तो फ़ायदा होगा कम से कम, तो डोमेसाइल का भी कुछ यहाँ पे रोल प्ले नहीं होने वाला है। सब लोग भाई इक्वल है, चाहे वो बंदा महाराष्ट्र का हो, चाहे वो बंदा हमारे बिहार का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो कर्नाटका का हो, कहीं का भी हो, सीट सबके लिए इक्वल ही है। बात करें कट ऑफ के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन कैटेगरी हमारी तरह जनरल वालों के लिए। तो फर्स्ट राउंड में भाई जो कट ऑफ गया था वो गया था 470 नंबर का, हाँ जी नीट में 470 नंबर फर्स्ट राउंड के लिए। सेकंड राउंड में 445 गया था, थोड़ी सी राहत मिली थी कि चलो 445 तक गया है। कम वालों का उम्मीद रहा हुआ थर्ड राउंड से कि थर्ड राउंड आ जाता तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन भाई थर्ड राउंड में एक मस्त झटका लगा था। थर्ड राउंड को मॉपअप राउंड भी बोलते हैं। मॉपअप राउंड में भाई 520 चला गया था कट ऑफ, हाँ जी कम होने की जगह वापस से बढ़ गया था और जो कट ऑफ था वो 520 का चला गया था मॉपअप राउंड में। यार यहाँ पे झटका ही लग गया था सबको। बात कर लेते हैं बुद्धा वालों की, तो भाई बुद्धा कम्युनिटी वालों के लिए तो भाई अलग ही है। फर्स्ट राउंड में इनका गया था 209 का कट ऑफ, भाई तुम सोच रहे हो 209 का कट ऑफ गया था,
तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत कम गया था, सेकंड राउंड सुन लो, 100 सेकंड राउंड सिर्फ 100 नंबर का गया था इनका कट ऑफ। तो भाई 100 नंबर का कट ऑफ गया था इन लोगों के लिए। तो यार आई होप जितनी भी डिटेल्स थी मैंने सारी दे दी, बाकी जो मैंने PDF बना रखा था ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके अपना चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर थोड़े बहुत आपके मार्क्स कम भी आ गए हैं, आप फिर भी एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके नीचे जो नंबर चल रहा है आप इस पर मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। चॉइस के लिए में कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी हो, वहाँ के बच्चों से बात करनी हो, कोई भी रिव्यू लेना हो, हॉस्टल वॉस्टल कुछ भी जानना हो, तो बेझिझक मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे से जितनी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो या तो मेरे नंबर पे या तो फिर कमेंट में आके बेझिझक पूछ सकते हैं। सो ये हमारी MBBS की जो सीरीज़ है अभी ये भी कंटिन्यू चलने वाली है, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। सो प्रणव तिवारी साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।